दोस्तों मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार जब हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में नेट ऑन करते हैं तो हमें जो है तरह तरह का एड्स देखने को मिलता है, या फिर हम अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं फोटोज़ वीडियोज़ या फिर गैलरी के अंदर तो वहाँ पे भी जो है हमको अनचाहा एड्स देखने को मिलता है। तो इसको हम फिक्स कैसे करें या फिर इसको स्टॉप कैसे करें, इसका कोई सॉल्यूशन बताओ आप हमें। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, हाउ टू स्टॉप और फिक्स एड्स इन योर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। अगर आप भी इन एड्स से परेशान हैं और आप भी इसको फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये एड्स का जो पंगा है, ये पंगा अपडेट के बाद स्टार्ट होता है। जब आप कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो उस समय आपको ये एड्स का जो है इश्यूज़ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब आप अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं तो वहाँ पे जो है ऐसा इश्यूज़ आपको देखने को मिलता है। तो आइए इसको हम जो है फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको अपने फ़ोन में जो है कुछ सेटिंग्स करना होगा, तो चलिए फटाफट इस सेटिंग्स को देखते हैं और इसको फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन में जो है ऐड आ रहा है या फिर नहीं। तो सिंपली हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर और यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे फ़ोन में भी ऐड आ रहा है, ठीक है, ये एक ऐड है और मेरे फ़ोन में जो ऐड शो हो रहा है। अभी चलिए हम इसको जो है फिक्स करते हैं कि कैसे ये जो है हमारे फ़ोन में ना आए, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आपको अपने फ़ोन में जो है सेटिंग्स के अंदर आना है, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग्स, इस वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। बेसिकली दोस्तों मैं जो है Realme का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप किसी दूसरे ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपके केस में जो है कोई ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आप कौन से ब्रांड का जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट रिकमेंडेशंस, इस वाले ऑप्शन के अंदर आना है। जब यहाँ पे आएंगे तो गेट रिकमेंडेशंस का ऑप्शन जो है वहाँ यहाँ पे इनेबल है, आपको सिंपली इसको डिजेबल कर देना है। जब आप इसको डिजेबल कर देंगे तो कोई भी एप्लीकेशन जो है आपको रिकमेंड नहीं करेगा, कोई भी आपको ऐड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे फ़ोन में एड्स आ रहा है या फिर नहीं। फाइल मैनेजर के अंदर चलते हैं, वीडियोज़ के अंदर चलते हैं और देख सकते हैं कि कोई भी ऐड अभी तक नहीं आया, जबकि मेरा नेट भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो है मेरा प्रॉब्लम फिक्स हो गया। इस तरह से आप भी अपना प्रॉब्लम जो है फिक्स करते हैं, कर सकते हैं सेम स्टेप्स को फॉलो करके। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने ये कितना इजी और कितना सिंपल मेथड था जिसकी मदद से हमने अपने फ़ोन के एड्स को जो है कम्प्लीटली बंद कर दिया है, यानी कि फिक्स कर दिया है। मैंने ये सेटिंग्स जो है अपने Realme के फ़ोन में किया है, हो सकता है आप किसी दूसरे ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें सेटिंग्स आपको थोड़ा आगे पीछे मिल जाए। तो आज का दोस्तों आपसे सवाल यही है कि आप कौन से ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे लिख दो कमेंट्स में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाकर आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।